गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए पढ़ते हैं क्लास सिक्स की हिंदी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट उषा आ रही है। इसके कवि हैं त्रिलोचन जी, जिनका मूल नाम था वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और अपना अपना आकाश आदि है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊषा आ रही है, जगत जग चला है, निशा घुल चली है, गिरी दृष्टि तम से सहज खुल चली है। ऊषा, अब देखिए इसमें ऊषा का मतलब है सुबह और जगत का है संसार, और जग यानी कि जाग। ऊषा आ रही है यानी कि सुबह आ रही है, सुबह की जो किरण होती है वो आ रही है। जगत जग चला है यानी कि संसार जागने को चला है। निशा खुल चली है यानी कि रात है वो बीतने को चली है। घृी दृष्टि तम से यानी कि जो दृष्टि है, तम यानी कि अंधेरा अंधकार, दृष्टि यानी नज़र, जो नज़र है वो अंधेरे में है। सहज खुल चली है, वो भी खुलने, अंधेरा जो है ख़त्म होने को आ रहा है। सहज खुल चली यानी अपने आप घुलने को आ गई है रात। नई जिंदगी पास में बंधनों के, नई जिंदगी पास में यानी कि जो नया जीवन है, नई जिंदगी है, नई उम्मीद है। पास में बंधनों के, पास यानी बंधन, बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है यानी कि नए डगर के लिए आज जाग रही है, नई उम्मीद के लिए, नई किरण के लिए जाग रही है। अब देखिए आगे, वे ही गा रहे हैं नकद खो चले हैं, कृति छोर प्राची अरुण हो चले हैं। वही गा रहे हैं, वही यानी कि पशु सॉरी पक्षी गा रहे हैं, नखत खो चले, नखत यानी कि नक्षत्र, ग्रह होता है नक्षत्र ग्रह, क्षितिज यानी कि भूमि से उत्पन्न यानी जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो वही गा रहे हैं नखत खो चले हैं, मतलब पंछी गा रहे हैं। क्षितिज छोर प्राची अरुण हो चले हैं, प्राची यानी कि पूरब, छोर यानी किनारा, जहाँ से सूर्य निकलता हो, जहाँ से प्राची का मतलब है जहाँ से सूर्य निकलता हो, अरुण हो चले हैं, जो जहाँ से सूरज निकलता है उस जगह यानी कि गहरा लाल होने को हो गया है, क्योंकि जब प्रातःकाल सूरज निकलता है तो वहाँ पे लाली आ जाती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अरुण हो चले हैं, नए सपन जो आँख में आ बसे हैं, जो नए सपने हैं, नई उम्मीद हैं, वो हमारी आँखों में आके बस गई हैं। उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है, प्रभा यानी कि किरण, जो प्रभा है वो मौन लहरा रही है, मौन यानी कि चुप रहना, ना बोलना, मौन लहरा रही है। सभी को जगाती हंसाती खिलाती, सभी को जगाती हंसाती खिलाती, बुलाती नए भाव से गुदगुदाती, यानी कि जो नई उम्मीद है, नई एक किरण है, नई रोशनी है, नया सूरज है जो आता है, वो सभी को हंसाती है, खिलाती है, जगाती है और एक नई उम्मीद जगाती है। हृदय में ऊंसा और धड़कन बढ़ाती है, और जो अपने हृदय में मन में एक नई धड़कन बढ़ाती है, एक नई जिंदगी जगाती है। घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है, यानी कि जो अंधेरा हो रहा है वो छटने को आ गया है, और जो नए जीवन की किरण है वो मंद मुस्का रही है। जो नई उम्मीदें, नई कलियाँ, नए धैर्य, नए संकल्प, उन्हें जो अपने पार करने का जो मार्ग है हमें दिखा रही है एक किरण। ठीक है, यह ऊषा आ रही है चैप्टर का नाम था। आज के लिए इतना ही। अब देखिए आपके लिए होमवर्क, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का, ऊषा के आने पर क्या क्या हो रहा है। ऊषा यानी कि किरण, किरण के आने पर क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट, लोग नींद से उठ गए हैं। सेकंड, रात बीत गई है। जीवन, थर्ड, जीवन चक्र चल रहा है। फोर्थ, सभी ठीक है। तो ऊषा के आने पर लोग जाग भी गए हैं, रात बीत भी गई है और जीवन चक्र भी चल रहा है, तो इसलिए इसका आएगा आंसर सभी ठीक है, फोर्थ वाला। अब देखिए खा, किनकी प्रभा मौन लहरा रही है, किनकी प्रभा मौन लहरा रही है। फर्स्ट, जीवन के प्रति आशा की।
सेकंड कुछ करने की ललक की, भविष्य थर्ड भविष्य के सपने की, या सभी ठीक है? किसकी प्रभा मौन? भविष्य के सपने की। इसका आंसर क्या आएगा? भविष्य के सपने की, यानी कि आगे कुछ करने की नई किरण की उम्मीद जाग रही है ना, तो भविष्य के सपने की। ठीक है, आप इसे नोटबुक में कर लेना, साफ साफ राइटिंग में। आज के लिए इतना ही।